हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद, यानी कि निषाद सर, और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का न्यू कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों, वीडियोज में बने रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम सटीक तरीके से पूरी जानकारी, ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सारा कुछ विवरण समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है वो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड प्लांट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 10th+ ITI पास कैंडिडेट्स को कंपनी सेलेक्ट करने वाली है। एज लिमिट 18 से 26 साल। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को मौका मिला है इस बार। 23,626 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है। और नीचे में देखिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो है वो 10 सितंबर को आपकी कराई जा रही है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा मौका है। अगर आप लोग ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आप लोग हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी हरिद्वार उत्तराखंड में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप लोग इस वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। सारा कुछ विवरण बताऊंगा, वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि जो इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए इस कंपनी की तरफ से आया हुआ है, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स को ये कंपनी सेलेक्ट करने वाली है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ। चलिए आगे मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पे आपको सारा कुछ विवरण समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। ITI कैंपस सेलेक्शन मेल एंड फीमेल, यहाँ पे देखिए आप लोग, ITI कैंपस सेलेक्शन मेल एंड फीमेल। दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी के हरिद्वार प्लांट उत्तराखंड में रोजगार का अवसर। ठीक है, यानी कि ये जो कंपनी है दोस्तों, वो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। इस कंपनी में रोजगार का बहुत ही बड़ा मौका निकला हुआ है। कैंपस सिलेक्शन परीक्षा स्थल की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ITI नादौन एट रेल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो ये कैंपस प्लेसमेंट गवर्नमेंट ITI नादौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा मौका है जिन कैंडिडेट्स को हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, वो कैंडिडेट्स इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दिनांक आप लोग यहाँ पे समझिए, तो इन्होंने बताया है कि 10 सितंबर 2024 ट्यूजडे 9:30 AM, यानी कि इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन 10 सितंबर 2024 सुबह 9:30 बजे से गवर्नमेंट ITI नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। अब देखिए आप लोग, इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड और इज फॉलो, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को लिए ये रिक्वायरमेंट निकली हुई उन्हें इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ITI पासिंग ईयर 2020-21, 22 और 23 पास आउट, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने 2021-22 और 23 में ITI पास आउट किया है उन्हीं को ये मौका मिला है। एलिजिबिलिटी 10th+ ITI NCVT या फिर SCVT। एज लिमिट 18 से 26 साल। और ट्रेड की बात करें तो इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से मेल कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रेड रखा गया है ITI के, वो देखिए आप लोग, फिटर, बिल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, MMB, ट्रैक्टर मैकेनिक,
डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये गर्ल कैंडिडेट्स के लिए ये सब ट्रेड इन्होंने बताया हुआ है। फिटर आप लोग देखिए, ट्रेड फीमेल ओनली, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, MMB, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, REC, वायरमैन, पेंटर, PPO, सीट मेटल मैकेनिक, एग्रीकल्चर मैकेनिक, एयर कंडीशन मैकेनिक, स्कूटर। यानी कि जो भी ITI पास आउट गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा मौका है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे और समझिए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, HP एंड पंजाब स्टेट ITI छात्रों के लिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है दोस्तों, वो लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से ITI पास छात्रों के लिए। तो जो कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग किस स्टेट से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके नियर बाई जब भी कोई भी कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, तो उसका वीडियो जो है मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल करे। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जो भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट से आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। मेल एंड फीमेल यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये मौका बहुत ही बड़ा है। नोट में इन्होंने एक चीज़ और बताया, यहाँ पे देखिएगा आप लोग प्लीज, 2024 गर्ल्स फाइनल ईयर अपेयरिंग बैच कैन आल्सो ज्वाइन द कैंपस। यानी कि जो ITI गर्ल्स कैंडिडेट 2024 में फाइनल ईयर अपेयरिंग बैच का एग्जाम दे चुकी हैं, वो भी इस कैंपस प्लेसमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं। अब हम बात करें दोस्तों सैलरी की, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सैलरी बताया गया है। मंथली CTC 23,626 रुपये, इनहैंड सैलरी 16,387 रुपये, प्लस PF ESI कैंटीन इट्स एंड गवर्नमेंट अप्रेंटिस मंथली इनहैंड स्टाइपेंड 17,936 रुपये के अप्रॉक्स आपको ये सैलरी मिलने वाली है। अगर आप लोग डायरेक्टली FTC जॉब पे जाते हैं, तो आपको 23,626 रुपये CTC पर मंथ मिलने वाली है। वहीं पे अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो 17,936 रुपये के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जो कैंपस प्लेसमेंट 10 सितंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे से गवर्नमेंट ITI नांदाउन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड के कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियोज में दे दी है। तो ये कैंपस प्लेसमेंट एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कैंपस प्लेसमेंट ओनली हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के कैंडिडेट्स के लिए लगाया जा रहा है। आप लोग किसी और स्टेट से हैं, तो इस कैंपस प्लेसमेंट में ना जाइएगा। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।